संसद के विशेष सत्र के दौरान लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पारित हो गया। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महिला आरक्षण बिल को लेकर बयान दिया। महिला आरक्षण बिल के मुद्दे पर सीएम बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए धोखेबाज कहा है। सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जो महिला आरक्षण बिल लाया गया है उसका कांग्रेस ने समर्थन किया है, लेकिन इसे जनगणना और परिसीमन होने के बाद लागू किया जाएगा, इसमें कई साल लगेंगे। सोनिया गांधी ने साफ कहा कि इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए, लेकिन हमें ऐसा होता दिख नहीं रहा है। ये धोखेबाज तो है ही, क्योंकि महिलाओं के आरक्षण बिल जो लाया गया विधानसभा और लोकसभा के सदस्यों के लिए, तो उसका तो कांग्रेस ने समर्थन किया, लेकिन इसका इंप्लीमेंट कब होगा? जब उन्होंने कहा कि जब इसका जनगणना हो जाए, उसके बाद परिसीमन हो जाए, उसके बाद लागू होगा, ये तो वर्षों लग जाएगा। जबकि सोनिया जी ने स्पष्ट कहा कि इसे तत्काल लागू किया जाए, जो कि अभी होता दिखाई दे नहीं रहा है, जो 2024 के चुनाव में इसे लागू किया जाना चाहिए।